हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लीनिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने घर में कारपेट को कैसे क्लीन करती हूँ। अक्सर कारपेट पर कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ गिरती है और कारपेट मैला लगने लगता है, और अगर आपका कारपेट लाइट कलर का है तो वो और भी जल्दी मैला दिखता है। लेकिन घर पर ही कारपेट को बहुत ही ईजिली हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कारपेट की क्लीनिंग के लिए मैंने एक ब्रश लिया है और एक मैंने तीलियों वाला झाड़ू लिया है, जिसे बांस का झाड़ू भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सोफे वगैरह साइड में कर दें और कारपेट के ऊपर बांस के झाड़ू से हम सारी डस्ट वगैरह निकाल देंगे, और अगर कोई खाने वाली चीज़ भी गिरी होगी तो वो भी यहाँ से साफ हो जाएगी। तो इस तरह से तो झाड़ू हर रोज ही कारपेट पर लगाना चाहिए, ताकि कोई भी खाने वाली चीज़ गिरी हो तो वो निकल जाए, क्योंकि अगर खाने वाली चीज़ कारपेट के ऊपर पड़ी रहेगी तो चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरह से हम सारे कारपेट पर एक बार झाड़ू से सारी डस्ट को निकाल देंगे। और एक बार हम इस तरह से ब्रश से भी इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, ताकि इसमें से सारी डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाए। अब एक बाल्टी लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ एक सैशे शैम्पू का। तो शैम्पू हर घर में होता है, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक सैशे शैम्पू का बाल्टी में डाला है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून रीठा डिटर्जेंट पाउडर। और अभी इसमें डालेंगे पानी, तो हम आधी बाल्टी पानी की लेंगे। तो इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके हम इसकी झाग बनाएंगे, क्योंकि हमने इसे झाग से ही साफ करना है, तो झाग बनानी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम हाथ से पानी को हिलाएंगे और झाग बनाएंगे। और फिर एक स्पॉन्ज लेंगे। तो एक बाल्टी में मैंने साफ पानी लिया है, और कोई भी पुराना कपड़ा ले लें, तो यहाँ पर मैंने पुराना टॉवल यूज़ किया है, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बाल्टी में मैंने शैम्पू और रीठा डिटर्जेंट पाउडर घोला है। स्पॉन्ज को एक बार गीला करके हम निचोड़ लेंगे और फिर हम बाल्टी में से इस तरह से झाग लेंगे और झाग से हम कारपेट को साफ करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम सिर्फ झाग लेंगे, और अगर आपको लगे कि बाल्टी में झाग कम हो रही है तो आप पानी को अच्छे से शेक करके हिलाकर दोबारा से झाग बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम झाग लेते जाएंगे और थोड़े थोड़े एरिए को हम साफ करते जाएंगे। और फिर साफ पानी में से हम कपड़े को अच्छे से निचोड़ कर जहाँ से हमने स्पॉन्ज से साफ किया है वहाँ वहाँ हम इसको साफ कपड़े से पोंछ देंगे। तो इसी तरह से हम कारपेट के थोड़े थोड़े पोर्शन को झाग से साफ करेंगे और फिर साफ पानी में से कपड़े को निचोड़ कर इसको पोंछते जाएंगे। इस तरह से कारपेट को साफ करने से एक तो पानी कम लगता है, दूसरा मेहनत भी कम लगती है, क्योंकि अगर हम कारपेट को वॉश करेंगे तो उसके लिए हमें इसको अपने बाथरूम में ले जाकर धोना पड़ेगा या फिर खुली जगह में लेकर जाके धोना पड़ेगा, और जिसके लिए पानी भी बहुत चाहिए और मेहनत भी बड़ी चाहिए, क्योंकि कारपेट गीला होने के बाद भारी हो जाता है, तो फिर अकेले काम करना मुश्किल लगता है। और इस तरह से साफ करने से हम जहाँ पर कारपेट बिछा हुआ है वहीं पे इसको साफ कर सकते हैं और हमारी मेहनत भी कम लगती है। और अगर हम कारपेट को ड्राई क्लीन करने के लिए देंगे तो वो महंगा पड़ता है, और इस तरह से हम घर पर ही कारपेट को इजीली ड्राई क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास रीठा डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह गर्म कपड़े धोने के लिए जो भी यूज़ करते हैं, सेफ वॉश या कोई भी जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं,
उसको यूज कर सकते हैं। कारपेट को साफ करते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ऐसा ना हो कि आप कारपेट को पूरा गीला कर दें, तो सिर्फ झाग लेकर स्पॉन्ज से साफ करें और फिर साफ पानी की बाल्टी में से कपड़े को निचोड़ कर लें और उससे पोंछ दें। आप चाहें तो आप अपने कारपेट को साफ करने के लिए ये तरीका यूज कर सकते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आप अपने घर में अपने कारपेट को कैसे साफ करते हैं। अगर आपके पास कोई और अच्छा तरीका है तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो इस तरह से कारपेट को हम बिना खर्चे के और बहुत ही कम मेहनत से, हम बहुत ही कम पानी से साफ कर सकते हैं और इस तरीके से साफ करने से आपका कारपेट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर इसे साफ कर सकते हैं। कारपेट को साफ करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कारपेट को साथ ही साथ थोड़े थोड़े पोर्शन को स्पॉन्ज से साफ करते जाएं और साथ ही साफ पानी में से कपड़े को निचोड़ कर उसको पोंछते जाएं। ऐसा ना हो कि आप सारे कारपेट को पहले साबुन से साफ कर लें और फिर बाद में उसको पानी वाले कपड़े से साफ करें, तो इससे सारा साबुन सूख जाएगा और आपका कारपेट भी खराब लगेगा। तो साथ ही साथ ही साफ पानी वाले कपड़े से पोंछते जाएं और फिर सारा क्लीन होने के बाद मैं आपको सारा कारपेट दिखाऊंगी। तो अभी तकरीबन सारा कारपेट क्लीन होने वाला है, थोड़ा सा बॉर्डर बचा है और सेंटर का बीच का हिस्सा बचा है। अगर आप कोई और भी क्लीनिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। सारे कारपेट को मैंने क्लीन कर लिया है, तो अब इन धागों की बारी है। तो इन धागों को साफ करना बिल्कुल ना भूलें, तो इनको भी हम उसी तरीके से साफ करेंगे। कारपेट को क्लीन करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दें। तो अभी मैं इसको धूप में डालने जा रही हूँ। कारपेट को मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दिया था ताकि अगर मॉइस्चर हो तो वो भी सूख जाए। लेकिन अगर आप किसी वजह से कारपेट को धूप में नहीं डाल सकते तो आप पंखा चला दें, तो पंखे के नीचे थोड़ी देर में ही कारपेट अच्छे से, अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा तो सूख जाएगा। तो अभी कारपेट पूरी तरह से क्लीन है, तो आप इसे देख सकते हैं। कारपेट यानी गलीचा बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि घर पर कारपेट को ड्राई क्लीन करना कितना आसान है। ना तो ज्यादा खर्चा होता है, ना ही ज्यादा मेहनत लगती है, ना ही पानी लगता है और कारपेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। घर पर ही कारपेट की ड्राई क्लीनिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी मिलूंगी।